हाँ जी, वेलकम साहब। सलाम, कैसे हैं? सलाम सलाम भाई, कैसा है तू? मैं फर्स्ट क्लास। आपको सबसे पहले हैप्पी रमजान करीम मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, रमजान मुबारक तेरे को भी। क्या चल रहा है घर पे? थैंक यू। कुछ नहीं, बस लॉकडाउन है, घर में वाइफ बच्चे चल रहे। आप बताओ कैसे हैं सब घर में? फैमिली, यूसुफ, बस सब अब्बू, बढ़िया। अम्मी, बच्चे? मैं लोगों को बोल रहा था, सब सब बढ़िया, घर में सब ठीक ठाक, अम्मी अब्बा सबकी सेहत बराबर है। हमारे एक रिश्तेदार, हमारे चाचा चाची, एक्चुअली उनको COVID-19 हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो बस उनके लिए दुआ चल रही है, उनके लिए थोड़ा सा परेशान है, बट बाकी बाकी सब खैरियत। बाकी जितने रिश्तेदार है वो सब ठीक है, दोस्त है, पड़ोस, आस पास पड़ोस में भी हमारा एक्चुअली ठीक है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। और मतलब जो हालात है यहाँ पे, जो तानाजा एरिया जो रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा दिक्कत का मामला था पहले, लेकिन अब सब क्लियर अभी है, सब ठीक है, आने सब वाले उधर टाइम में क्लियर हो जाएगा। हाँ, सब 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 ठीक है। मैं एक्चुअली तुझे ज्वाइन करने से पहले मैं लोगों को बता रहा था कि तेरा और मेरा अंडर 19 का डेब्यू एक साथ हुआ है, शायद तेरे को भी नहीं मालूम होगा, अंडर 19 इंडिया का। 2002 में ना, हाँ, 2002 लाहौर में। में। हाँ नहीं, लाहौर से भी पहले। वो लाहौर वाला तो बाद में आया, लेकिन जो इंग्लैंड खेलने गए थे जहाँ हाँ पे हाँ पूछो हाँ कैप्टन धमकी इंडिया देता था तो जाएगा। अच्छा ये बता जरा लोगों को कि जो वेणुगोपाल का भाई ये ज्ञानेश्वर है, वो कैप्टन था हमारा, बुच्चू। हाँ बुच्चू, ठीक है, बहुत अच्छा जी क्रिकेटर था। अनफॉर्चुनेटली बहुत जी ज्यादा वो क्रिकेट खेल नहीं पाया, लेकिन वो जो वेरी गुड क्रिकेटर, कैप्टन अंडर 19 इंडिया, बड़ी बात है। बिल्कुल। और वो धमकी क्या देता था यार कि इंडिया जाएगा तो नहीं याद है उधर, एक्चुअली जब भी रॉबिन सिंह हमारे कोच थे ना, जब भी फील्डिंग होती थी या कोई ड्रॉप करता था कैच या नेट पे, थोड़ा भी उसको ऐसा लगा कि कैप्टन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो धीरे से आके कान में बोलता था, तो इंडिया जाएगा क्या? सबसे ज्यादा एक दिल्ली का लड़का था रावत करके, हाँ कुलदीप रावत, कुलदीप रावत। हाँ वो सबसे ज्यादा उसकी गाली खाता था, ए हाँ उसको कुलदीप बहुत इंडिया जाएगा बोलता था वो। आज नहीं, तक याद है यार वो। वो टूर में बहुत मजा आ रहा था एक्चुअली अंडर 19 का। मुझे लगता है कि वो टूर सबसे अलग था, क्योंकि मेरा तो वो सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट था वो। फिर हमारे जितने भी बैच के आप देखोगे, राइडू और चंद्रशेखर अतराम, अलिन नायडू, आप और विवेक यादव होता था एक आगरा का, उसका भी बुच्चू बोलता, तू तो इंडिया जाएगा। पक्का फिर वो अपना वो बंगाल वाला विकेट कीपर पॉल, जाएगा। यस यस, और भी तिमिल सुभाजीत पटेल, पॉल, कितने सारे प्लेयर। हाँ बहुत सारे प्लेयर थे जो बहुत टैलेंटेड थे एक्चुअली। दो बिल्कुल ढाई बिल्कुल। महीने का टूर था, तो बड़े मजेदार रहे वो टाइम। और इंग्लैंड का टूर जहां पे खाना पीना अपने लिए अलग, हम लोग इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, उसके बाद आया कौन हाँ सा टूर? पाकिस्तान अंडर 19 का। उसमें तो बहुत मजा आया। जो मुझे याद है, आपने लाहौर में पहले पहला मैच मैंने ऐसे देखा जिसमें 9 विकेट, जिसमें 2 हैट्रिक, और विकेट भी वैसा। और मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब आप विकेट लेके हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे थे, यूपी का भी प्लेयर था उसमें, शिवा भाई, अपने शिवाकांत शुक्ला, तो उसने ऐसे क्लैप किया, वो नीचे गिरा पड़ा है, उसको कोई पता ही नहीं वो नीचे गिरा पड़ा है। यार वो माहौल वो ही ऐसा बहुत था, जोश ही ऐसा था कि अगर उस टाइम पे कोई सामने आ जाए तो ऐसा लगता था यार क्या कर जाए। पाकिस्तान नहीं का टूर था। मजेदार था वो, मजेदार था वो टूर, बहुत मजा आया उधर। अच्छा, वो टूर पे मैं आने वाला आना नहीं चाहता था, वो पाकिस्तान का अंडर 19 टूर पे रहना। मैं ये मुंबई का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का, मैं हाँ शेट्टी हाँ सर थे उनसे बात किया जी था मैंने कि जी शेट्टी सर जी मुंबई का मैच है, मेरा अच्छा फॉर्म चल रहा है, मैं मुंबई में मैच खेल रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरा नाम वैसे ही चलने लगेगा। बोले नहीं 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 पाकिस्तान का टूर हो रहा है, इंडिया 14 साल के बाद जा रहा है, तुमको जाना है, तुम खेल चुके अंडर 19 इंडिया और तुम इम्पोर्टेंट प्लेयर है, यू हैव टू गो। और मैं बहुत डिसअपॉइंट बिल्कुल होकर वहां पे गया था, पर मुझे क्या पता था क्या होने वाला है वहां पे। नहीं, लेकिन आप ये देखो ना, ऊपर वाले का करिश्मा और ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो मैच में जैसे ही आप खेले वो ठग से, फिर आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, तो मुझे याद है वो रिवर्स स्विंग वाला, वो अपना गिली को आउट किया, एडोस को आउट किया, तो उस टाइम पे एवरीवन यूज्ड टू कंपेयर टू यू, कंपेयर आपको वसीम भाई से, वसीम अकरम। फिर उस टाइम पे जो एक मैंने देखा था, फिर जब मैं फर्स्ट टाइम टूर पे आया था इंडिया के लिए, जब 2005, तो ऑलरेडी आपका नाम ऐसा था, मतलब इरफान, वो लंबे बाल, एकदम घुंघराले वाले, हेड एंड शोल्डर का ब्रांड एम्बेसडर। अपना बहुत मजेदार था वो। फिर उधर आप, मैं और माही भाई जाते थे ना, पूरा अपना साथ में ऐसे रहते थे, तो वो अलग सीखने को बड़ा मिला उस टाइम, बड़ा अजब टूर था वो। या बिल्कुल, बहुत मजा आया था यार वो। और अपने साथ अंडर 19 में तब एक राकेश सोलंकी करके भी हुआ करता हाँ, अपना एकदम ऑजी।
ऑजी तेरे को मालूम है वो आदमी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ बहुत ज्यादा बड़ोड़ा क्रिकेट के लिए खेला है, उसने अपना नाम राकेश सोलंकी से चेंज करके क्या रखा है पता? क्या? माइकल सोलंकी। माइकल सोलंकी, माइकल हसी का बहुत बड़ा फैन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं माइकल हसी की उसके लिए टी शर्ट लेके आया था। भाई मैंने माइकल हसी की टी शर्ट से बंदे को इतना ज्यादा खुश, मतलब किसी भी क्रिकेटर की टी शर्ट से इतना ज्यादा खुश नहीं देखा था जितना ज्यादा खुश मैंने राकेश सोलंकी को देखा था। मैं टी शर्ट लेके आया अपने रूम में से, वो हॉल में बैठा हुआ था जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया। मैं जैसे ही उसको टी शर्ट दिया वो खड़ा हो गया यार, वो खड़ा होकर टी शर्ट को 5 मिनट तक देखता रहा, कहता यार इरफान इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। मतलब नहीं, मजेदार था। मुझे याद है एक बार नेट चला था हमारा रणजी ट्रॉफी का मैच था, तो उसका कॉलिंग भी वैसे था, राइट माइट राइट माइट पुश फॉर टू। अच्छा था। और सबसे अच्छा इंसिडेंट लगा कि हमें याद है जो हमारी टीम बस होती थी अंडर 19 इंडिया में, तो कभी टॉन्टन से ब्रिस्टल जा रहे हैं क्योंकि वहां पे सबसे अच्छा है कि पूरा अपना बस से ही आते, तो आपके पास एक कैसेट होती थी लकी अली की, तो आप ड्राइवर को बोल के रखते थे कि यही गाने चले। मुझे याद है वो कैसेट, हमने बहुत गाने सुने लकी अली के उस टाइम पे। यार अभी वैसे ही गाने बार बार सुनवाएंगे ना लोग टीम बस से बाहर निकलवा देंगे, क्योंकि यार वो टाइम अलग था, तब यार इतने ज्यादा गाने भी आपके पास कहाँ होते थे यार, वही गाने आप रिपीट पे बार बार सुनते थे। एक ही वॉकमैन कम से कम सारे बल्लेबाजों ने बॉलर ने यूज किया होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम यार वॉकमैन होना मतलब अगर किसी के पास है तो मतलब वो बंदा ठीक ठाक है कि उसके पास थोड़ा सा खेला हुआ लड़का है। और बहुत स्कैरी भी था वो यूनिवर्सिटी जहाँ रुके थे हम लोग, कितना मतलब पूरा एकदम डोमेट्रीज अलग था, और जितने भी कॉलेज के ग्राउंड थे बड़ा अलग ही उनका एक अलग ही फील था, क्योंकि आप बीच में मिडिलसेक्स के लिए भी खेलते ना 2005 या 2006 में। राहुल भाई तो आप, मैं और माई भाई उधर लेके गए थे आप अबू धाबी में एक दोस्त के पास, तो वहाँ जब इतनी भीड़ आ गई तो हम लोग कैसे निकले, वो तो आपके भी लंबे बाल, माई भाई के भी लंबे बाल, और मैं बच्चा छोटा सा बीच में फंसा हुआ। चॉकलेट हीरो तू ही था। नहीं 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 यार वो टाइम में यार, मतलब ये तो खैर अभी सोशल मीडिया का जमाना है ना भाई, 2006 की जब तू बात कर रहा है तब तो कहाँ सोशल मीडिया था, तब तो हार्डली सोशल मीडिया वगैरह था, लेकिन तब फैंस के लिए कोई भी क्रिकेटर ऐसा मार्केट में मिल जाए तो यार छोड़ते नहीं थे, और वो स्टारडम किसे कहते यार वो तब एक्चुअली ऐसा लगा था सही बात, कुछ अलग बात है, मतलब ये हम लोग ऐसे ही नहीं घूम सकते, वो 2006 की बात है। और कैरेबियन का भी टूर था 2006 में, जब हम लोग उधर सैंड ट्रेनिंग करते थे साथ में, खाना खाते थे क्योंकि खाना उधर था ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल स्ट्रगल करते थे काफी, कि काफी सारी टीमें वेजिटेरियन भी थे, फिर वहां पे हलाल भी नहीं मिलता था, तो काफी सारी चीजें देखनी पड़ती थी सारा कुछ। मैं चटनी लेके आया था, तेरे को याद है मेरे पास चटनी हुआ करती थी, मैं चटनी डाल के देता था तुम लोगों को, लहसुन की चटनी थी। हाँ, जो बर्गर वगैरह हम खाते थे वो लहसुन की चटनी में डालते थे तो उसी से स्वाद आता था। बाकी तो क्या क्या खाना यार, और वेस्ट इंडीज में खाना यार स्ट्रगल है, पूरी दुनिया में कहीं भी खेलने चले जाओ यार, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, तुम साउथ अफ्रीका चले जाओ, तुमको खाना मिल जाता है, और हमेशा अपने दोस्त लोग अपने यार लोग है, और अपने को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होती है, वैसे तेरे को मालूम ही है, लेकिन वेस्ट इंडीज में थोड़ी तकलीफ। न्यूज टाइम पे था, मुझे याद है कि एक बार रणजी ट्रॉफी का मैच था, मैं इरफान आप यूसुफ और कैब भाई, हमने खाना खाया था बिरयानी आपके साथ में, तो एक ही पूरा आपने वो बनाया था मटन या कुछ पूरा राइस वाला सब, उसमें पूरा अपना अबू भी थे सब फैमिली थी, बड़ा मजा आया था। रणजी ट्रॉफी मैंने कहा कैब भाई चलो बहुत भूख लगी, कह रहे रुक जा रुक जा, इरफान आ रहा है, फिर गए उधर पूरा हमने वो पराठ खाया था सब लोगों ने एक साथ बैठ के, बड़ा मजा आया था, खाने का मजा ही अलग है ना भाई। बिल्कुल यार तू अभी देख, तू आया है मेरे पुराने घर पे, नए घर पे तू आया नहीं है, लेकिन यार नए घर पे आएगा तेरे को जो दावत खिलाऊंगा ना भाई, तू कभी जिंदगी नहीं नहीं बिल्कुल याद रखना, आपके आपका जो मेहमान नवाजी और जो आपका इस्तकबाल का नेचर है जरूर आएंगे भाईजान। अरे भाई चल अब मेरी बात बहुत हो गई, अब तू अपनी बता, क्योंकि यार मैं ये देखता रहता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तू, प्रियंका फाउंडेशन से, प्रियंका के नाम से, फिर बच्चों के नाम से, ग्रासिया के नाम से भी, और अभी जो नया नया खुशी है हमारा लड़का रियो, बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, मतलब एक तो फैमिली, एक तो फादर बन गया, लेकिन ये जो बहुत सारे चैरिटी काम चल रहा है बच्चों के नाम पे, तो वो कैसा है, मतलब उसका क्या सोच है उसके पीछे? नहीं, पूरा तेरी सोच है, भाभी की सोच है, किसकी सोच है? नहीं नहीं, ग्रासिया रैना फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया था जब इनिशियली वो पैदा हुई, तो हमने चाहते थे कि हमने काफी ना इरफान में बेटियों को गोद ले रखा है, जस्ट टू मेक श्योर कि दे उनका एजुकेशन अच्छा हो, उनका मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा हो, बिकॉज प्रियंका बाहर रही है तो काफी इंडिपेंडेंट रही है, जैसे आपकी वाइफ है बिकॉज वो भी बाहर है, तो एक कल्चर अलग है, क्योंकि इंडिया में वो रूरल प्लेसेस की जो वुमेन्स है उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो उस तरीके से उनको, तो वो जो वुमेन्स का जो पावर है, तो इसीलिए काफी वर्कशॉप भी किया उसने, तो मुझे लगा कि एंड ऑफ द डे जैसे आपने गुजरात में इतना किया, अभी यू बीन सप्लाइंग लॉ फूड, सारे मास्क, इतना कुछ कर रहे हैं आप, अकेडमी में भी काफी बच्चा आप फ्री में उनको एजुकेशन के साथ उनको ट्रेनिंग करते हो पठान अकेडमीज में, तो कितना हम लोग हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ऐसा रिसोर्सेज है कि अगर लोगों की हेल्प हो सके, जितना भी हो सके, कैसे भी हो सके, बट रात को जब आदमी सोए तो एक इत्मीनान चाहिए चेहरे पे, खुशी चाहिए कि एटलीस्ट किसी की हेल्प हो चुकी है, तो एक ऊपर वाले ने इतनी चीजों से नवाजा है, तो टाइम भी है तो लोगों की हेल्प करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और यार ये देखता रहता हूँ, इतना दिल खुश होता है कि यार हम छोटे छोटे थे, हम खुद हमें खुद को हेल्प की जरूरत थी, याद है जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तेरी इतनी स्ट्रगल है, मतलब हॉस्टल में इतनी ज्यादा स्ट्रगल की है तूने हॉस्टल में रहके, हमारे पास जूते नहीं हुआ करते थे यार, हम जूते खुद सीखे, 400-500 रुपए के जूते तब लेना बहुत बड़ी बात होती थी यार, वहां से लेके आज जो मुकाम पे हम पहुंचे हैं, लोगों का प्यार मिला है, गूज बम एकदम रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे ये भी याद है ना आपका जब मौस में थे आप उधर, मुझे अब्बू भी याद है पूरा, बीच में एक आपका यूसुफ का एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था उसपे, जो पुराने हमारे वो है जी पे आया था, बीच में एक घर का किया था आपका और यूसुफ का अब्बू का, हाँ वो देखा, तो जैसे आप रहे फिर घर पे भी आते थे अम्मी और सिस्टर, उस टाइम में कितना हम तो खेल रहे थे अंडर 19 भी, बड़ौदा में बहुत मैचेस होते थे उस टाइम, मोतीबाग एकदम हमारा वो लॉर्ड्स एकदम स्विमिंग ट्रैक होता था उधर, बड़ा मजा आता था खेलने में, तो सारे जो उधर बड़ौदा में मोतीबाग में जो एक ट्रेडिशनल जो हाउसेज हैं उधर पूरे, वो भी अलग फील है, तो बड़ा मजा आता था उधर यार, वही उस स्ट्रगल भी है ना, तो वही चैरिटी की बात वही है मेरे भाई कि आज जो मुकाम पे हम पहुंचे, अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर वापस नहीं देंगे तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है यार, बिल्कुल, मतलब इतना जो भी इज्जत मिली है, लोगों से प्यार मिला है, तो इतना तो बनता ही यार, तो ये तो चलता रहता है। भाभी और इमरान कैसे हैं? एकदम बढ़िया यार, एकदम सब बच्चे एकदम एंजॉय कर रहे हैं, मैंने देखा बीच में वो पूरा अपनी उनकी गार्डनिंग भी चल रही है, बीच में वो सचिन पाजी के साथ वो था बच्चे का वो वीडियो जब आप उधर खेले थे यार, बॉक्सिंग वो कर रहा है, दर्द मेरे को हो रहा है, मैं कहा यार तेरे को मालूम नहीं तो किसको बॉक्सिंग कर रहा है लेकिन पाजी यार, पाजी क्या आदमी है यार, मतलब रिस्पेक्ट करो उतना कम है यार, सच अ जेंटल ह्यूमन बीइंग, उनको पता है बच्चा है, और मैं डर रहा था यार पोस्ट करूं मैं नहीं करूं, लेकिन मैंने फिर पोस्ट किया वो वीडियो और बहुत लोगों ने पसंद किया, जिस तरह से पाजी यार मतलब बच्चा मार रहा है और बच्चे के साथ खेल रहा है, इमरान जब बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि यार उसने क्या किया है फिर जाके माफी मांगेगा कि यार माफ कर नहीं, लेकिन घर पे यार सब ठीक ठाक, सफा भी ठीक है, सफा अपना काम करती रहती है, सफा वो बहुत अच्छी कंटेंट राइटर थी, वो 3 साल काम कर रही थी वहां पे सऊदी में, तो बीच में अभी उसको ऑफर आया था, लेकिन इमरान के जरिए उसने अभी वो ऑफर लिया नहीं है घर से काम करने का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उसके अपने अपनी चीजें रहती है, अभी उसका प्लान है एक वेल बनाने का, जैसे गांव में रहता है ना, गांव में बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत होती है, तो उसके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, तो ये उसी का, तो अगर वो हो जाए तो वो करेंगे, तो उसके पीछे लगे रहते, लेकिन इमरान के साथ टाइम निकल जाता है, बाकी घर में 4 बच्चे मेरे भाई के 2 बच्चे आयान रयान और मेरी कजिन सिस्टर जो हमारे साथ रहती है उसकी बच्ची है सारा और इमरान, ये 4 बच्चे इतनी धमाल करते हैं यार, टाइम बिल्कुल नहीं पता चलता, हाँ हालांकि बहुत मुश्किल काम है यार कि आज आप और हम लोग और पूरी दुनिया घर में बैठी है ये COVID-19 के चक्कर में, लेकिन बच्चे है तो वो सुकून के साथ टाइम निकल जाता है, 1000 चीजें होती है, वो झगड़ते हैं मजे करते हैं खेलते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जितने डॉक्टर्स हैं ना और हेल्थ वर्कर्स हैं, दे आर डूइंग सो मच फॉर अस इरफान भाई, जब रियो भी हुआ तो मुझे याद है दिल्ली में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अभी इतना सिक्योरिटी सारा कुछ, मूवमेंट पासेस और जितने भी हॉस्पिटल थे सारे डॉक्टर्स, दे वर वेरी हेल्पफुल, और दिल्ली पुलिस ने काफी हेल्प किया, तो मतलब डॉक्टर्स लोग को मुझे लगता है कि वो असली हीरो हैं, जिन्होंने काफी फैमिली से नहीं मिल रहे और इतना सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको
वो सलूट है हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से। बिल्कुल यार, हमारे एक दोस्त है जो बच्चों के डॉक्टर है, आज ही उनका मैसेज आया कि अब वो कोविड हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट काम करने वाले हैं, जबकि वो है मतलब वो बच्चों का डॉक्टर और जाके हेल्प करेंगे, मतलब उनका काम नहीं है लेकिन उनको फिर वही दूसरी तरीके से हेल्प करना है। सो ये यार इनको जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। नहीं, मुझे ये भी पूछना है, जम्मू एंड कश्मीर में आप 2-3 साल रहे, पहले कोच भी थे प्लेयर भी थे, उनकी जो टीम का जो ग्राफ ऐसे ऊपर गया, तो मैंने साथ में हम खेले भी उधर, फिर हम मैं देखा भी उधर, काफी मैंने फॉलो किया क्योंकि जम्मू कश्मीर से मेरे भी पापा रहे, मामा भी उधर से ही हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ऐसी स्टेट में गए जहां पर सब लोगों ने कभी उस चीज को तवज्जो नहीं दिया। तो जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्मेंस किया और जो मैंने फील किया, जो एक मैच हुआ था हमारा बीच में जो उधर, तो जैसे उनका प्लानिंग, जो डिसिप्लिन, और सबसे अच्छी बात है कि उनका जो गैदरिंग, जो डिसिप्लिन आया, तो आई वाज वेरी प्राउड टू सी दैट कि इतना टैलेंटेड बच्चे, इतने सारे लड़के जिन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट किया, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा वो जिस तरह से आपने सपोर्ट किया हम लोगों को। बिल्कुल यार, वो हमेशा तेरे बारे में काफी बात होती है क्योंकि उनको लड़कों को पता है कि मैं तेरे साथ खेला हुआ, तो काफी तेरे बारे में बात करते हैं, तेरी बैटिंग फील्डिंग के बारे में बात करते हैं, अप्रोच के बारे में बात करते हैं, और काफी कुछ सीखने को तैयार है वो लोग। यार देख, ये जो तूने जम्मू कश्मीर का सवाल पूछा ना, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब ये मेरे पास ऑफर आया था जम्मू कश्मीर के लिए, तब मेरे पास 3 लीग के ऑफर थे। एक लीग का नाम मैं बताऊंगा नहीं, वो मैंने तुरंत ही मना कर दिया था। दूसरी 2 लीग CPL, और मेरे पास CPL का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, कैरेबियन प्रीमियर लीग का मनी कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, मतलब बिना इवन मुझे कुछ किए हुए, ओनली थिंग मेरे को परमिशन लेना था और रिटायर होना था। एक और लीग थी T10 लीग, उसका मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, बस मेरे को सिर्फ रिटायर होकर अनाउंस करना था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं जाके लीग खेल सकता हूँ। BCCI में भी बार बार मैं चक्कर लगा रहा था कि मैं पूछने के लिए कि रूल क्या है, कैसे है, स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बड़ौदा में बहुत शैतानी चल रही थी। तेरे को मालूम है, जब तुम्हारा खुद का एसोसिएशन रहता है वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो तुमको नीचा करना चाहते हैं। तुम्हारा लेवल होता नहीं है, तुम्हारे लेवल तक वो पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको ऐसा होता है कि यार इसको परेशान करें, तो ऐसा परेशान करें, तो मैं बड़ौदा छोड़ के निकल रहा था वहां से, या तो रिटायर होकर बाहर जाके लीग खेलो, कोई टेंशन नहीं, अपना काम करो। लेकिन यार इससे बेहतर मेरे पास कोई ऑफर नहीं थी कि मैं जम्मू कश्मीर को सर्व कर सकूं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट को, क्योंकि यार वहां पे लोगों को बहुत जरूरत है यार। भाई मैं जब मैं कैंप में गया ना, पहली बार जब मैं कैंप में गया, मैंने पर्सनली इतनी मेहनत की है। मेरे को याद है, मैं 9 बजे से अगर सुबह रहता था, अगर मैं वहां पे लड़कों को सिलेक्ट करता था, 9 से लेके 5 बजे तक मैं खड़ा रहता था, और मेरे पास अगर 10 लोग होते थे वहां के लोकल हेल्प करने के लिए, शाम होते होते थोड़े दिन के बाद ना 2 होते थे 3 होते थे जो असली मेहनत करना चाहते थे, बाकी सब फिल्टर हो जाते थे। तो और भाई मैंने बच्चों को कैनवस के जूते में टर्फ विकेट पे बॉलिंग करते हुए देखा है, और उनके पास ठीक से कपड़े नहीं, और टैलेंटेड लड़के, ऐसे ऐसे टैलेंटेड, मुझे याद है वो पूरा, मैंने कैंप का भी देखा था, जो भी आप बीच में सोशल मीडिया पे जो आ रहा था वहां से, और आपका ट्वीट जिस तरह से वो टीम का गैदरिंग, और मैं उस ग्राउंड पे भी गया हूँ जो अपना ये कश्मीर में है, जो कौन सा शेर कश्मीर उधर भी देखा। फिर सबसे अच्छा लगा जब मैच खेले तो मुदस्सर है ना, वो फास्ट बॉलर, वो अच्छा लगा, और लंबा वाला जो क्या नाम है उसका, वो हमारे साथ दिल्ली ट्रॉफी भी खेला था, उमर नजीर। फिर परवेज रसूल, वो भी जब मैं कैप्टन था बांग्लादेश में तो डेब्यू हुआ, तो उसने भी बहुत अच्छा बॉलिंग, कब से वो फर्स्ट क्लास हो, IPL हो, बहुत अच्छा कर रहा है वो। तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि जो जम्मू एंड कश्मीर की टीम के जो टैलेंट बाहर आया, तो क्योंकि उनके फैसिलिटीज नहीं है, तो आप जो इतना कॉन्टेक्ट मिला आपको, लेकिन आपने वो दिल की बात सुनी, जहाँ जरूरत थी उनको आपकी सबसे ज्यादा, तो वो डिलीवर हुआ, तो उससे अच्छी बात क्या है बड़े भाई। बिल्कुल मेरे भाई, और देख इसमें सबसे, अगर जम्मू कश्मीर क्रिकेट को आगे जाना है ना, आने वाले टाइम में शुभम पुंडीर विल बी द लीडर, मतलब शुभम पुंडीर से बेहतर लीडर उनको नहीं मिलेगा। और विकेट कीपर है जो, वो भी अच्छा प्लेयर है, फाजिल रशीद है, और शुभम खजूरिया जम्मू कश्मीर का सबसे अच्छा बैट्समैन है, मतलब अगर टेक्निकली बात करें, वो दूसरा राइडू है, एक राइडू की तरह बैटिंग करता है, और दो बॉलर है जो है, एक तो मुस्तफा और राशिक सलाम, ये दोनों जबरदस्त फ्यूचर है, और इनमें उनका एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा टाइट हुआ ना मैच, तो दे वर अटैकिंग, दे वर नॉट पीछे जा रहे थे ना, चलो हो गया, अभी बड़ा प्लेयर खेल रहा है या कोई दूसरा प्लेयर है, तो दे वर फाइटर्स, अच्छे से खेल रहे हैं, एकदम भिड़ के खेल रहे हैं। तो अप्रोच वो तभी आती है जब एक ड्रीम बड़ा होता है ना, और सारा क्राउड 10-15 हजार क्राउड, कश्मीरी खाना, वाजवान, तबक मान, हमने बहुत खाया उधर। भाई मेरे को, अगर मैं अगर वहां पे कश्मीर में जब तक मैं था, अगर मैं अगर जितने भी इनविटेशन मेरे पास आते थे खाने के लिए, अगर मैं कबूल करूँ ना, मेरा हर डिनर
अपने फैमिली के साथ ना हूँ, बाहर ही हूँ। इतनी ज्यादा मेरे को इनवाइट करते थे लोग। फिर फोटो देखा मैंने आपका, वो पहलगांव का और एक पापा का वीडियो था, वो पूरा अपना मजेदार एकदम। वो सोनमर्ग है, सोनमर्ग बड़ी खूबसूरत जगह। नहीं, अभी प्रियंका को लेके गया था, उसको बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा 8 साल आप बाहर रहे हो ना, जरा हमारा कश्मीर भी देख लो। हाँ, तो शी फेल्ट सो गुड, बहुत खूबसूरत लगा वो, कह रही मैं बीन टू स्विट्जरलैंड, इधर सब गए। मैंने कहा कश्मीर, हम लोग पहलगांव में रुके थे। एम्स्टर्डम के मुकाबले कैसा लगा उसको? नहीं, शी फेल्ट की वहां पे कुछ कनेक्शन है, एक वाइब्रेशन है। एम्स्टर्डम में क्या है कि उनको साइकिलिंग कल्चर है और वहां पर अलग कनाल से जो है, लेकिन जो माउंटेन्स के साथ एक ब्यूटी है तो वो अलग है, वो बहुत मजा आया उधर। यार मैं ये मानता हूँ कश्मीर की पहाड़ियों में सुकून है, तुम इतनी पहाड़ी देखो, लेकिन यहाँ की पहाड़ियों में सुकून सुकून मिलता है। अच्छा रायना, मेरे को ये बता कि एक बात हमेशा रहती है, जो एक अच्छे टीममेट की बात रहती है, ठीक है, एक अच्छे इंसान की बात रहती है, आज वो सुरेश रायना से एसोसिएट होती है कि आज सुरेश रायना अगर किसी को भी विकेट मिलेगी तो सबसे पहला हग वो करेगा। मेरी भी गर्दन है, तूने बहुत दबाई है, बराबर। मेरे को विकेट मिलती थी, सबसे पहले तू ही आता था, सेपरेट करता था। मतलब ऐसा होता था कि विकेट यार हमने दोनों ने मिल के लिए, मतलब ये एक टीम की यूनिट। हाँ, टीम बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मुझे याद है कि जब हम अंडर 19 में भी खेले, अभी बीच में एक मुझे वो याद है जब आपने एंड्रू स्टॉस को बोल्ड मारा था फरीदाबाद में। हाँ, 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 एंड्रू फ्लिंटोफ, और जब फरीदाबाद में आप मेरे साथ आए, आपने चौका मार के मैच जीता था लास्ट में, वो हाँ, मेरा फर्स्ट मैन ऑफ द मैच था। तो वहां जब आपको मैंने हक किया तो फ्लिंटोफ ने हमें ऐसा लुक दिया है, व्हाट्सएप नहीं है। मैंने कहा ये ब्रोज प्यार है, ब्रोज है, डोंट टेक इट अदर वाइज। हम लोग हमारे इंडिया में एक अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं, भाई के साथ, फैमिली के साथ। तो सेलिब्रेशन जब होता था, विकेट लेते थे, तो एक दिल से जब आदमी पास में रहता है ना, कवर्स में या पॉइंट में या शॉर्ट मिड विकेट पे, तो जब तक कुछ खुशी इजहार ना करो, जो अच्छे से इंजॉय ना करो, तो फिर क्या फायदा, उधर से दूर से ऐसे ही कर लो। फिर वो उस टाइम तो लॉकडाउन नहीं था ना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। अब क्या करेगा, अब मेरे को पता, अब सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है। तो सुरेश रायना जो सबसे ज्यादा विकेट सेलिब्रेट करता है बॉलर्स की, और वो एक जबरदस्त टीममेट है, अब वो कैसे करेगा यार, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है कि जब एक ऑस्ट्रेलिया में कैच पकड़ा था, जब आप और मैं भिड़े थे सिडनी में, तो आई फेल्ट कि वो हम दोनों में से हम लोग को लग जाता वो। मैं उसके बाद मैं जब भी देखता हूँ, मुझे यही नहीं पता चला वो कैच कैसे पकड़ा, और आप मतलब स्ट्रॉन्ग, मैं सिर्फ बॉल पे था ना, कॉलिंग की आवाज आ रही ना कुछ आ रही, और जैसे भिड़े उसके बाद मुझे लगा या तो मेरा ये गर्दन टूट गया है या मेरा कुछ चेस्ट में हो गया है। फिर जब मैंने आपको देखा थोड़ा, तो आपने मुझे फील कराया कि एवरीथिंग इज ओके, और आप बॉल पूछ रहे छोड़ी तो नहीं, मैंने कहा नहीं छोड़ी। क्रूशियल विकेट था वो, मजा आया वो। उसमें हुआ क्या था कि तू था डीप स्क्वायर लेग पे, मैं था डीप फाइव लेग, और तू इस तरफ आ रहा था बैट्समैन की तरफ, और मैं बॉल की तरफ इस तरफ जा रहा था, क्योंकि तू ऑब्वियसली कैच पकड़ने जा रहा था। तेरी स्पीड एकदम तेज थी, मैंने जब तेरे को पेरिफेरी विजन से देखा तो मैंने अपनी स्पीड स्लो करी, और जब तक मैंने अपनी स्पीड स्लो करी तब तक बहुत लेट हो चुका था, और तेरा जो इम्पैक्ट लगा मेरे को याद है, यहाँ पे लगा था, और यहाँ पे मेरे को करीबन एक महीने तक मेरे को दर्द हो रहा था यार। मैंने कहा सुरेश रायना इतना मजबूत कैसे हो गया यार, इतना मेरे को हवा में इसने गिरा दिया, ऐसे मजबूत कैसे हुआ। लेकिन नहीं, एक्चुअली कैच आप ही का था वो, और जब बॉल लगा तो मैं लेफ्ट से गया एक्चुअली, जैसे वो बार बार जड़ी पे सिंगल ले। रायना बेटर फील्डर है, कैच इसका भी रायना पकड़ सकता है। नहीं, मैं डर गया था एक्चुअली, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं जैसे लगा, मैंने कहा अगर हमारा फेस टू फेस लगता या कुछ भी ऐसे लगता तो कुछ हो सकता था, बड़ा इंजरी। लकीली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप रुक गए। स्टीव और गिलेस्पी का कन्वर्जन था, हाँ वो था, हाँ ये फैंस लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, टू काफी सारे फैंस पूछ रहे हैं, टू इंडियंस फ्रॉम सेम। प्रधान भाई बैटिंग का लाजवाब है आपकी, भाई साहब हमारे इरफान भाई ऑलराउंडर हैं। मुझे आपका वो ऑस्ट्रेलिया वाला भी याद है, जिसमें टेस्ट मैच में आपने बैटिंग किया था ना, एक बार 3 नंबर भी खेले थे आप। हाँ, फिर इंडिया के लिए आपने हमेशा चैलेंजिंग बैटिंग किया, वो बॉलिंग भी करना 50 ओवर्स में, फिर जल्दी से ठक से रेडी हो जाके बैटिंग भी करना, 80 रन 100 रन,
आसान नहीं उस टाइम, क्योंकि 3 नंबर बैटिंग करना और 10 ओवर उस टाइम में 45-47 डिग्री में आसान काम नहीं था, वो बहुत चैलेंजिंग रोल था। पहले जैसा मेरा टेक्निक था ना यार, मेरा हाथ जैसा मैं पकड़ता था, इतना आइडिया नहीं था, तो और मुझे सचिन बाजी ने बताया था ऐसे बैट पकड़ना जिससे बैट का कंट्रोल बहुत अच्छा था, तो बैट का कंट्रोल से ना मैं ऐसी बैटिंग टाइम मेरे को मजा आता था कि बॉल बैट पे आए, और मेरा तब एक्चुअली नंबर 3 का वनडे का रिकॉर्ड नंबर 3 पे बहुत ज्यादा बेहतर है, 32 का एवरेज है, और मतलब और भी ज्यादा, मतलब मैं एंजॉय करता अगर मेरे को ज्यादा नंबर 3 बैटिंग करने को मिलता। खैर एनीवेज, लेकिन हमारी और तुम्हारी जितनी पार्टनरशिप हुई है, तुम्हें पता कितनी पार्टनरशिप हुई है हमारी तुम्हारी, टीम पार्टनरशिप हुई है हाफ सेंचुरी, अच्छा, और तीनों टीम नॉट आउट है और तीनों टीम मैच में नहीं गए। ओहो हाँ, फरीदाबाद वाली श्रीलंका में याद है, श्रीलंका वाली याद है, हाँ, जिसमें बारिश हो गया था, फिर आप और मेरे पिक्चर के साथ में आप मुझे ऐसे हार रखा हंस रहे हैं वैसे वाली, और मुझे वो भी श्रीलंका का याद है जब आपने यूसुफ ने रोहित टोंडी का मैच, इम्पॉसिबल था वो रन चेज, आप दोनों ने बहुत पिटाई करी थी उधर बॉलर्स की, वो मतलब हार ही गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन एक अलग ही बैटिंग हुआ था उस मैच में, वो बड़ा अच्छा मैच जीते थे हम लोग। खैर वो अलग बात है कि वो सीरीज के बाद में अगली सीरीज एक वनडे मैच नहीं खेला और उसके बाद ड्रॉप हो गया था। आज के जमाने में अगर कोई कोई भी अगर ऐसा मैच जिताएगा ना, एक साल तक टीम से ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो सारी चीजें उस टाइम पे क्रिकेट का सारा उसने फिर फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल आईपीएल में फास्टेस्ट 100, तो कभी कभी ना लोग एक टाइम पे भूल जाते हैं उन चीजों को, अभी थोड़ा अलग हो गया है वो, तो सबके दिल में एक पेन होता है, सारी चीजें होता है, तो किसको एक्सप्रेस करें, किसको भी खिलाड़ी आदमी खिलाड़ी का जानता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चीजें और बेटर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने दिल दिमाग अपना जमीर सब खेल को दिया है, तो बहुत जरूरी है कि उस चीज को समझा जाए दिमाग से और उसको फील किया जाए दिल से, तो फिर लगता है कि तो क्या बोले अब नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब यार देख जो वक्त पे जो डिसीजन लेते, चाहे वो भी सिलेक्टर का, मैं अभी देख रहा था बहुत टाइम से वो तेरी बात चल रही थी, वो एमएस के प्रसाद वाली बात भी चल रही थी सिलेक्टर का, कि भाई दे शुड हैव गिवन यू मोर अपॉर्चुनिटी, एंड मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हाँ, बिकॉज यार तुमको एक बहुत जबरदस्त फील्डर मिलता है, लेफ्ट हैंड ऑप्शन मिलता है, और वो ऐसा क्रिकेटर मिलता है जो गेम को चलाता है, मतलब तेरी बैटिंग मैं अभी 100 देख रहा था तेरा साउथ अफ्रीका वाला T20 वाला, मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इंडियन क्रिकेटर हैज प्लेड, और नहीं नहीं बिल्कुल, और जैसे राइडू के लिए बोला, राइडू भी था, राइडू भी देखो किस्मत है इरफान भाई, जब लिखा है तो होगा, लेकिन जिस तरीके से ही डिडंट परफॉर्म, ही इवन डिडंट स्पीक टू मी एट ऑल, आई डू हैव फ्यू एविडेंस जो उसने मुझे मैसेज किए, लेकिन ठीक है उसको जैसे लगता है, मेरा जब टाइम आएगा मुझे खेलना होगा मैं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा तो फैमिली है, लाइफ है, बहुत सारी चीजें, क्रिकेट के अलावा भी बहुत प्यार है यार, लेकिन जैसे तरीका है या वैसे है ना, हमारे देश में बहुत टैलेंटेड है, बट आई होप आई विश कि बीसीसीआई कुछ ऐसा प्लान करे आईसीसी के साथ या फ्रेंचाइजी के साथ, जो भी प्लेयर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और उनको अलाउ किया जाए बाहर के लिए खेलने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, इंक्लूडिंग यूसुफ, मायसेल्फ, रॉबिन उथप्पा, बहुत सारे ऐसे क्वालिटी प्लेयर हैं जो बाहर जाके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, चाहे वो कोई भी लीग हो, हमें 2 लीग अलाउड करो जहाँ पे हम जाए खेलें, और हमें बीसीसीआई खुद बोले कि यहाँ पर आप खेलो, जब सी आईपीएल बीसीसीआई में आप नहीं हो, और किसी को कोई आईपीएल में भी नहीं लिया, आप इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहे हो, और डोमेस्टिक आजकल ऐसा है कि जो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक में वैसा कंपटीशन नहीं है, अगर हमें 3 महीने में क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे, चाहे वो सीपीएल हो, चाहे वो बिग बैश हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे हमें लगे कि हम रेडी हैं, क्योंकि आप देखो कि बाहर के सारे प्लेयर खेलते हैं तो सारे फिर कम बैक करते हैं अपनी कंट्री के लिए, हम आईपीएल खेलते हैं, इन्होंने 40-50 लड़कों का पूल बनाया, अगर क्लेट लगता है कि खराब हो गया या फिर इसको एकदम ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम लोग के पास दूसरा प्लान भी नहीं है, अगर हम बाहर जाएंगे परफॉर्मेंस करेंगे और फिट रहेंगे और अच्छा खेलेंगे तो क्रिकेट भी इम्प्रूव होगा, सीखने को बहुत मिलेगा। दूसरा एक ऑप्शन मैं ऐसा दे सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन कि यार बहुत ज्यादा लोग इंडिया में ना, जैसे इंडिया में माइंडसेट अलग है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का माइंडसेट अलग है, मेरे को याद है माइकल हसी ने 29 इयर्स की उम्र में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसके बाद जब उसका करियर खत्म हुआ तो ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द मिस्टर क्रिकेट के नाम से उसको जाना जाता था, लेकिन इंडिया में अगर कोई बोलेगा यार कि 30 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, कभी होगा नहीं होगा, 30 साल में उसको बोल देंगे कि भाई ये तो अभी ओल्ड हो गया, हां बूढ़ा हो गया, नहीं बट सी अभी कैसा है यार, जब तक तुम फिट हो ना यार तब तक तुम अवेलेबल होने चाहिए, यार मैं 30 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, मेरे को 30 साल की उम्र में बूढ़ा बना दिया गया, मेरे को याद है बड़ौदा में आके हमारे बीसीसीआई का कोई बहुत बड़ा पोजीशन में था, वो बंदा आके बड़ौदा में आके बड़ौदा क्रिकेटर को बोल रहा है कि यार ये तो हमारे 30 लड़कों में नहीं है, तुम इसको कैसे खेल लगा रहे हो, मतलब ऐसे माहौल बनाते हैं। मेरा सजेशन ये है कि भाई तुम 30 साल की उम्र के जितने भी लोग लड़के हैं, अगर तुम्हारे ये माइंडसेट है
जो जो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड सेट है तो जितने भी 30 साल के लड़के हैं जो तुम्हारे रडार में नहीं है उनको खेलने दो। नहीं नहीं सही बात है, उनको होना भी चाहिए। और हम सब यंग हैं, प्लस जैसे आपने बोला फिटनेस तो है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा है इरफान भाई। हम लोग ऐसे परिवार से हैं जहाँ हम लोग फाइटर्स हैं, हम लोग फाइट लड़ने वालों में से हैं कि हमें अगर कुछ चांस मिलेगा तो परफॉर्मेंस करेंगे। मेहनत से ही सब कुछ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वेज भी होने। जैसे मैं बीच में बहुत सारी चीजें देख रहा, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे ट्राई कर रहे हैं, एसोसिएशन भी चेंज कर रहे हैं, कोशिश हर जगह से हो रही है, लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। वो अगर कोई एक बंदा कोई भी टॉप पोजिशन में बोले ठीक है 20 लड़कों का पूल है आप खेलो और इम्प्रूव करो, क्रिकेट भी खेलेंगे बहुत सारा, ऑस्ट्रेलिया और कहीं भी अलाउ करेंगे, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स पर्सन का जो कैरियर है 36 साल, मैक्सिमम 38 साल, या कोई एक्सपर्ट हो या जिसको इंजरी कभी ना हुई हो, जैसे माही भाई है टच वुड उनका सॉलिड लग रहे हैं बॉडी, पाजी भी 40 साल तक खेले, बहुत सारे ऐसे आशीष नेहरा देख लो आप कैसे कितने साल तक वो खेलते रहे, और भी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस किया लेकिन बीच में उनको लगा कि उस स्कीम में फिट नहीं होता। युवराज सिंह को देख लो कितना अच्छा बैटिंग किया बीच में आईपीएल, फिर कनाडा में भी जाके खेले, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट की फाइट है और किसी चीज की फाइट नहीं है।